पटना के गोपालपुर थाना अंतर्गत चकबैरिया में एक युवक की करंट लगने से हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। पटना के गोपालपुर थाना अंतर्गत बैरिया निवासी विनोद कुमार उर्फ करण को करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। साथ में बचाने गए 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी संपतचक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मौके पर पहुंचे संपतचक प्रखंड अंचलाधिकारी मुकुल झा ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो भी राशि आती है वह आप लोगों को दिलाया जाएगा। विनोद कुमार की उम्र लगभग 32 वर्ष है, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यहाँ बालू लदा ट्रक से बालू उतारने के क्रम में बिजली के संपर्क में आ जाने से विनोद कुमार उर्फ करण पिता रामू राय की मतलब घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, एवं उसे बचाने के क्रम में 5 या 6 व्यक्ति जो हैं मजदूर जो बालू उतारने वाले थे वे सभी जख्मी हैं। क्या किस चीज़ में करंट लगा है, 440 या फिर नॉर्मल तार? बिजली के तार है 440 या 11,000 का बताना मुश्किल है, 11,000 ही है शायद। मृतक का उम्र कितना है? करीब 25-26 वर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? बैरिया। और 6 लोग जो जख्मी हैं वो सब बाहरी हैं, मजदूर हैं बालू उतारने वाले। तो उनके मतलब कैसे, वो 6 मजदूर को कैसे लगा थे? इसको बचाने के क्रम में सभी जख्मी हो गए, फेंका गए, 2 का पैर भी जख्मी टूट चुका है। मृतक को कैसे करंट लगा? बिजली के संपर्क में आने से, ट्रक पर खड़ा हुआ बिजली का तार जो है बहुत नीचा है, जो अभी भी आप देख सकते हैं। ये घटना कब हुआ है? करीब 8:30 के करीब में। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार चौहान। कहाँ के रहने वाले? चकबैरिया, इसी गांव के। झुलस जाने की सूचना है, क्या इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जानकारी प्राप्त हुई है, इसी कारण से यहाँ आए भी हैं। घटना सत्य है, एक व्यक्ति जो है विनोद कुमार उर्फ करण 32 साल का लड़का, उसकी मृत्यु हो गई है। परिवारजनों से बात किए हैं। क्या लग रहा है, ये लोग को मुआवजे के तौर पे सरकार की तरफ से क्या कुछ? मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है वह पालन पहले भी होता रहा है, जो भी दुर्घटना या आपदा संबंधित जो भी मामले आते रहे हैं उसका सारा का निष्पादन हुआ है। इस मामले का भी जो अभी विधि सम्मत है उसको निष्पादन किया ही जाएगा। आपके तरफ से क्या कुछ संतावना दिया गया है? मेरे तरफ से वही संतावना दिया गया है कि जो भी विधि सम्मत आपदा संबंधित लाभ मिलना चाहिए वह मिलेगा।